आरजेडी के जिला अध्यक्ष ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। आपका किस लिए कर अली अशरफ फातमी आरजेडी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जबकि हकीकत यह है कि दल के साथ गद्दारी इन्होंने 30 साल से शुरू किया है। जब से एमपी हुए तब से ये दल के साथ गद्दारी किया और दल को घून के तरह से और कार्यकर्ताओं को मजबूर करके जो समर्पित कार्यकर्ता थे उनको दल छोड़ करके जाना पड़ा है। और ये आज जो ये दल इनको टिकट एक बार नहीं 7 बार चुनाव लड़े तो बड़े अच्छे थे ये, लेकिन एक बार इनको टिकट नहीं मिला तो ये दल बहुत ख़राब हो गया और इस दल से उदल से उदल अपना टहलना शुरू कर दिए। और अब आप नसीहत देते हैं कि दल में हमको आरजेडी को क्या करना चाहिए। दल के लोग तय करेंगे कि दल को क्या करना है, कि कौन कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, दल में रहते करना चाहिए था। ये अब हमको सलाह कहा है, वो तो देना जदयू को सलाह कि कौन क्या करना है उनको। कहा जाता है कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है, तो इस हैसियत से आपका क्या कहना है? दल में बड़ी निष्ठा बड़ी महत्वपूर्ण की चीज़ है और आदमी जो निष्ठा नहीं होगा, निष्ठावान नहीं होगा, उसका कोई औकात और हैसियत नहीं होगा। लेकिन वो फिर कैसे यहाँ से 5 बार एमपी रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे, 7 बार चुनाव लड़े, कैसे रहे? इसलिए उस समय विश्वास था लालू यादव को कि ये आदमी विश्वास से हमारा काम करेगा। और आज की स्थिति यही स्थिति पहले से भी थी कि इसने जो यहाँ जितने भी जो यहाँ के कैंडिडेट होते थे चाहे महबूब खां हो, चाहे उससे पहले उनका क्या नाम था, मोहसिन साहब थे, या कफील अहमद थे, या जो भी दल के लोग थे, सारे लोग ये सुल्तान अंसारी का टिकट जीता हुआ ग्राउंड लेवल का जो वर्कर से लीडर बना था, एमएलए बना था, वो जीता हुआ आदमी का टिकट उसको कटवा दिया इसने। आप क्या कह रहे हैं कि जदयू में रह के ये राजद को नसीहत देना बंद करें? वो जदयू को नसीहत दे, आरजेडी को उनकी नसीहत की जरूरत नहीं है। नाम बताया जाए। उमेश राय, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा। अभी का जो प्रकरण हो रहा है, मोटे तौर पर आप बता दें, मोटे तौर पर कि ये जो प्रकरण हो रहा है, क्या कहेंगे इसको, आप किस नज़र से देखते हैं? अभी जो प्रकरण हो रहा है, इस प्रकरण में देखिए, भारतीय राजनीति की ये विशेषता रही है कि सब लोग अपने अपने दल के लिए काम करते हैं। एक व्यक्ति सफल होगा तो दूसरा व्यक्ति असफल होगा, और ये तो निश्चित है। तो अगर कोई असफल व्यक्ति सफल व्यक्ति पर किसी बात का आरोप या प्रत्यारोप करते हैं तो निश्चित रूप से ये गलत है कि भारतीय राजनीति के सुंदरता को हम लोग खराब कर रहे हैं, कि जो लोग ऐसा कर किए हैं वो खराब कर रहे हैं। अदरवाइज सब लोग को चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, एक व्यक्ति जीतेगा तो एक व्यक्ति हारेगा। अब हारा हुआ व्यक्ति जीते हुए व्यक्ति पर प्रत्यारोप करे, कभी मेरा भी उम्मीदवार हार सकता है, उसमें मैं ऐसा करूँ वो भी उचित नहीं। लेकिन राजनीति की बात करें जिसमें आरोप प्रत्यारोप ही मुख्य बन गया है, तो मुख्य बन गया है, लेकिन इससे हमारा समाज या देश की राजनीति ऊपर की ओर तो नहीं जाएगी, नीचे की ओर जाएगी। नाम बताया जाए। को तो प्रोफेसर विनोद साहू, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल व्यवसायी प्रकोष्ठ। का फैसला होता था वो लागू होता था। आज की तिथि में स्थिति यह है कि जो आरएसएस फैसला करती है वो फैसले को जदयू भाजपा लागू करती है, भाजपा जो फैसला करती है वो जदयू लागू करती है, जिसका प्रमाण है कि सीएएनआरसी के मौके पर मुसलमानों की बहु बेटियां सड़कों पर महीनों रही। अभी आपको मान लें कि विभिन्न प्रकार के जो जिस तरह के देश के अंदर ये बातें हो रही है, लेकिन कभी मान लें नीतीश कुमार इनके द्वारा कोई काउंटर या किसी तरह की बात नहीं की। आज शिक्षा में क्या कहते हैं आपको, पाठ्यक्रम में जो है सो माने सूर्य नमस्कार की बात हो रही है, तरह तरह की बातें हो रही है, जबकि एनडीए था तो एनडीए में था कोई भी विवादित मुद्दे, वो जो उसके दल के विवादित मुद्दे एनडीए के अंदर नहीं होंगे, लेकिन आज सारे विवादित मुद्दे एनडीए के अंदर हैं और जदयू के प्रत्यक्ष जदयू के साथ जदयू के सहमति से सारे मुद्दे पर काम हो रहे हैं। हमारा ये कहना जो है कि ये आरएसएस को खाद पानी पटाने का काम कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड, और ये लोगों को मान लें कि धोखा देना चाहते हैं कि हम जो है सेकुलर हैं। स्पष्ट किया, स्पष्ट करने के बाद फिर उन्होंने अपने कुछ मल्ले के क्या कहा जाए जो स्टाफ हैं या ठेकेदार हैं उस टाइप लोगों से अपना जो है कुछ मल्ले के बयान दिलवाने का प्रयास किया। हमारा ये कहना है कि अगर किसी तरह की कोई बात है तो फातमी साहब को आमने सामने मल्ले डिबेट करना चाहिए या आमने सामने उसका जवाब देना चाहिए, अगर हमारा कोई आरोप है तो उस आरोप का उनको जवाब देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जनता दल यू या राष्ट्रीय जनता दल, ये अलग अलग पार्टियां हैं,
अब जनता दल यू में रह करके वो किस तरह का काम करते वो उनकी जिम्मेवारी है, उनकी ड्यूटी है, पार्टी की ड्यूटी है। आरजेडी क्या करते हैं, अब आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी है, अब वो उनको मोह रहता है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी हराने का काम किया गया। अरे भाई, आप अगर महागठबंधन के आदमी हो, हम महागठबंधन के आदमी हैं, तो जहां एनडीए की पास्ट होगा तो हमको प्रसन्नता ना होगी कि एनडीए के किसी आदमी के हारने से हमको जो है कष्ट होगा, और वो कह रहे हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी लोगों ने हराने का काम किया। तो इसके पीछे क्या कहने का मतलब है, ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं राजद को ब्लेम करना चाहते हैं। कैसी ब्लेम की बात करते हैं, ब्लेम इसलिए कहते हैं, वो बारी सिद्दीकी को जहां ना बारी सिद्दीकी बोले हैं, ना बारी सिद्दीकी बोल रहे हैं कि हमको हराने का काम किया गया पार्टी ने, और वो बारी सिद्दीकी का नाम अपने साथ घिसेट रहे हैं कि पिता पुत्र और बारी सिद्दीकी को वहां लोगों ने, कुछ लोगों ने हराने का काम किया। कहां पर? अरे केवटी से के बारे में उनका कहना है, उनका जो मान लें कि वो इशारा है कि केवटी में उनको हराने का काम किया गया। तो बारी सिद्दीकी का स्टेटमेंट आपने कभी सुना? आप लोग पत्रकार जगत के लोग हैं, बारी सिद्दीकी ने ऐसा कभी कहा है कि मान लें हमको राजद के लोगों ने हराने का काम किया, या राजद के किसी व्यक्ति पर मान लें उन्होंने डायरेक्ट आरोप लगाया? जब ऐसा आरोप नहीं लगा, और मान लें कोई जदयू का व्यक्ति आरोप लगा रहा हो, अली अशरफ फातमी साहब आरोप लगा रहा हो, राष्ट्रीय महासचिव मान लें आरोप लगा रहे हो, इसके पीछे क्या कारण है? ये राजद को कहीं ना कहीं मान लें कमजोर करने की साजिश करना चाहते हैं। इस साजिश को हम बेनकाब करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर ऐसी कोई बात हो वो सामने लाएं लोगों के, और हम लोग भी सामने लाना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग अपने नेता के साथ ईमानदारी के साथ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन आप ये जो चाहते हैं कि राजद में तोड़फोड़ कराना, जैसे तोड़फोड़ कराने का एक प्रमाण ये भी है कि मान लें कि जो शंभू पासवान जी की पत्नी जो सीता देवी जो उम्मीदवार थी बनी, वो राजद की ही वो आदमी थी। राजद के आदमी को आप किसी तरह से हायर करके ले जाकर के आप उम्मीदवार बनाते हैं कि राजद को हम तोड़फोड़ करें, राजद में हम मान लें कि स्प्लिट कराएं, उनका जो तर्क या उनका जो उनकी प्लानिंग थी, लेकिन उस प्लानिंग को हमने विफल किया। हम अपने कैंडिडेट को जिताने का भी काम किया और हम सफलता प्राप्त किया, तो आप और उनको परास्त किया। तो आपका क्या कहना है कि वो जिस दल में है उसी दल को नसीहत? बिल्कुल, आप मान लें, बिल्कुल आप मान लें कि वो अब कल उस दिन गोपाल मंडल जी बता रहे थे कि